अबे तुम पागल वागल हो क्या? क्या योगराज सिंह के साथ बैठ के दारू पीते होगे रोज? योगराज सिंह नहीं पता, युवराज सिंह के पापा भाई। हेलो दरबारियों, कैसे हैं आप लोग? और आज का दरबार देखो लग चुका है, और जितने भी धोनी के हेटर्स है ना, अपने पास थोड़ी बर्नॉल रखना, बिकॉज आज अच्छी खासी जलने वाली है। ये वीडियो वैसे मैं 15 अगस्त को बनाने वाला था, धोनी ने जिस दिन रिटायरमेंट अनाउंस करा था, लेकिन यार माल इतना ज्यादा था ना, इकट्ठा करते करते टाइम लग गया। आज 16 अगस्त है, तो होपफुली आज वीडियो मैं निकाल भी दूंगा, नहीं निकलेगी 17 अगस्त को तो सुबह सुबह निकल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, शुरुआत से शुरू करेंगे, एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा। जितने भी धोनी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं ना फालतू के लोग, एक एक चीज पर जवाब दिया जाएगा। तो ना फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 2007 से बड़े लोग बोलते हैं भाई, मतलब जितने भी धोनी के चोमू हेटर्स हैं सब बोलते हैं, अबे 2007 में तो लक्की था, मिस बाउ लक्का, वो स्कूप शॉट मिस हो गया, नहीं होता चौका जाता, जीत जाता पाकिस्तान वर्ल्ड कप, धोनी का इसमें क्या था। अब मेरी बात सुनो, मिस बाउ लक्का वो स्कूप शॉट ना उस टाइम पे फेमस था। मिस बाउ लक वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो वो स्कूप शॉट जबरदस्त ढंग से खेलता था, हर बार खेलता था। मिस बाउ लक्का वो स्कूप शॉट गो टू शॉट था, लगातार मिस बाउ लक वो शॉट खेल रहे थे। और ऐसे नहीं, श्रीशांत वहां पे ना उस पोजीशन पे टहलते टहलते नहीं पहुंच गए थे, एमएस धोनी जानते थे कि मिसबाह उलक का वो गो टू शॉट है, एमएस धोनी ने श्रीशांत को इसलिए वहां पे प्लेस करा था। ऐसे नहीं था श्रीशांत का मन कर रहा था, टहलते टहलते वहां पे पहुंच गए। तो ठीक है, ये कैप्टेंसी बोलते हैं इस चीज को, इस चीज को लक नहीं बोलते, इस चीज को एनालिटिकल कैप्टेंसी बोलते हैं, जो कि धोनी ने करी, जिस कारण श्रीशांत उस पोजीशन पे था, मिसबाह उलक ने शॉट खेला, गलती करी और कैच हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप जीता। तो ये लक वक तो ठीक है, लेकिन यहां पे धोनी की कैप्टेंसी का भी कमाल था। अब आती है दूसरी बात, और ये बात सुनना, दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत खराब हो जाता है। दूसरी बात है कि लोग बोलते हैं भाई युवराज सिंह का करियर खा गए एमएस धोनी। अबे तुम पागल वागल हो क्या? क्या योगराज सिंह के साथ बैठ के दारू पीते होगे रोज? युवराज सिंह नहीं पता, युवराज सिंह के पापा भाई, उनके साथ बैठ के दारू पीते होगे रोज? भाई सुनो, युवराज सिंह के पास खोने के लिए क्या है? कब से रिटायरमेंट ले चुका है बंदा युवराज सिंह, अब बोलते धोनी के बारे में कुछ ना कुछ? युवराज सिंह ने आज तक धोनी के अगेंस्ट कोई बयान नहीं दिया। डरते हैं युवराज सिंह किसी से? नहीं डरते युवराज सिंह, अब तो इंडियन क्रिकेट के आसपास भी नहीं है, क्यों डरेंगे भाई युवराज सिंह किसी से? किसी से नहीं डरता युवराज सिंह, शेर है बंदा, ठीक है। उसने आज तक एमएस धोनी के खिलाफ कुछ भी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, उस बंदे का स्टेटमेंट लगातार वायरल होता आया, और वो स्टेटमेंट था कि भाई एमएस धोनी ने उनको ट्रू पिक्चर दिखाई वर्ल्ड कप की। 2019 की बात करते हैं ना बहुत लोग, कि 2019 में खेलने नहीं दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, 2011 में बैकिंग नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। 2019 में युवराज सिंह का स्टेटमेंट था कि सिर्फ एमएस धोनी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने युवराज सिंह को बैक करा, बोला भाई सुन ले तू सिलेक्टर्स के प्लान में नहीं है। युवराज सिंह का बयान था कि भाई एमएस धोनी ने उनको ट्रू पिक्चर दिखाई, जिंदगी में ना एक ऐसा बंदा चाहिए होता है, ये मैं नहीं कह रहा, युवराज सिंह ने कहा था कि जो आपको ट्रू पिक्चर दिखाया, जो आपको बताया कि हाँ भाई ये असलियत है, कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना कर दो। इसलिए एमएस धोनी ने युवराज सिंह के साथ कभी गलत नहीं करा, अगर करा तो उनको ट्रू पिक्चर दिखाई है, और अगर करा भी होता ना गलत, तो युवराज सिंह किससे डरते नहीं है, आज बोल देते कल बोल देते, अभी तक बयान सारे आ चुके होते। तो ये सब चीजें ना गंदी सी, जो अपनी चोमू वाली ओपिनियन अपनी जेब में रखो। तीसरा क्रिटिसिज्म है, और ये बड़ा फनी है, लोग बोलते हैं बंदा ने अपने हिसाब से टीम चुनी, फेवरेटिज्म करता है। अरे मेरे को एक बात बताओ यार, कैप्टन का क्या मतलब होता है? मेरे को इतिहास का एक भी कैप्टन गिनवा दो या बता दो जिसने अपने हिसाब से टीम ना चुनी हो। वो इंडिया का कैप्टन है, वो उसको जो ठीक लगेगा, जो प्लेयर उसको खिलाने होंगे उनको खिलाएगा। फेवरेटिज्म तब बोलो जब वो प्लेयर आके परफॉर्म ना करें। किसको आज तक कौन सा प्लेयर है एमएस धोनी के अंडर जिसका करियर खराब हो गया हो क्योंकि एमएस धोनी ने उनका सिलेक्शन करा था? रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जो टेस्ट में अश्विन जो धमाके करते हैं, रविंद्र जडेजा जिनको आज बोला जाता है कि भाई बेस्ट ऑलराउंडर है दुनिया का, रविंद्र जडेजा को ना, रविंद्र जडेजा को बनाया एमएस धोनी ने। एक ऐसे टाइम पे रविंद्र जडेजा और अश्विन को बैकिंग की थी जहां पे बहुत सारे जो आजकल एक्सपर्ट बने फिरते हैं ना, वो बोलते थे भाई ये क्या है, किसको खिला रहे हो, सीएसके कोटा, ये बोला जाता था जडेजा को, अश्विन को एक टाइम पे, कि भाई ये सीएसके कोटा है, इंडियन टीम में इसलिए आ गया। अब कोई बोल सकता है रविंद्र जडेजा को सीएसके कोटा? अश्विन को कोई बोल सकता है सीएसके कोटा? दोनों जडेजा आने वाले टाइम के लेजेंड है, अगर अभी आप उनको लेजेंड नहीं बोलोगे। और इसके साथ साथ एक और चीज बोलते हैं, टीम सिलेक्शन के साथ तो बोलते ही हैं, वो बोलते हैं एमएस धोनी विराट कोहली से इनसिक्योर थे। अब मेरी बात सुनो बड़े ही ध्यान से, एमएस धोनी अगर चाहते हैं ना 2014 इंग्लैंड टूर जहां पे विराट कोहली का बल्ला मतलब ऐसे निकलता था बाहर ऑफ स्टंप से और कैच होता था विकेट कीपर है स्लिप के पास, तो जितनी 2014 इंग्लैंड के दौरे के बाद अगर एमएस धोनी चाहते हैं ना विराट कोहली को ड्रॉप कर सकते थे टेस्ट टीम से। ये
ये भी मैं नहीं बोल रहा, ये भी विराट कोहली की ही स्टेटमेंट है। विराट कोहली की स्टेटमेंट थी कि सुनो भाई, अगर एमएस धोनी मुझे 2014 टूर के बाद बैक ना करते तो शायद मैं टीम से ड्रॉप हो जाता। एमएस धोनी ने मुझे बहुत बार बचाया है टीम से ड्रॉप होने से। ये भी विराट कोहली की ही स्टेटमेंट है। तो अगर तुम विराट कोहली के फैन हो ना, इसका मतलब ये नहीं है, कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा कि विराट कोहली के फैन हो तो एमएस धोनी की बेइज्जती करनी ही करनी है। तुम विराट कोहली और एमएस धोनी दोनों के फैन हो सकते हो। यहां पे अगर युवराज सिंह के फैन हो तो ग्रंथों में फिर से नहीं लिखा कि अगर युवराज सिंह के फैन हो तो भाई तुम एमएस धोनी का फैन नहीं हो सकते। तुम सबके फैन हो सकते हो, तुम इंडियन क्रिकेट के फैन हो सकते हो। तो देखो भाई, ये था पार्ट वन, पार्ट टू भी जल्दी आएगा। माल बहुत सारा पड़ा है इस वीडियो पे, जिस हिसाब से आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब कर दो चैनल पे। अगर वीडियो यहां तक बने हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। कार्तिक दरबार चैनल बड़ी मेहनत से बनाया चैनल है यार, आप लोगों के सपोर्ट की बड़ी जरूरत है। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो पार्ट टू भी मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी लेके आने का। लेकिन ये पार्ट वन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब।